हॉट सीट तुसा मीडिया वाले ने बना दी है। शायद तुहानू याद होएगा कि 2002 दे विच मेरे सरकारी ओ चाचा जी सरदार सुंदर सिंह पत्तंगड़े तो चोण लड़ी सी ते असीं वी इत्थों सीट जीते सां। उदों हॉट नहीं सी, हुण हॉट कदे ना हो गई कि सरदार बिक्रम सिंह हुणी आ गए तां हॉट हो गई नहीं। कांग्रेस हाईकमान वालों जिला कांग्रेस देहाती अमृतसर के प्रधान भगवंत पाल सिंह सच्चर नूं एक बार फिर तो दोबारा प्रधानगी की जिम्मेवारी दी गई है, जिस तों बाद मजीठा हल्के नाल संबंधित उन्हां दे कांग्रेसी वर्कां विच खुशी का माहौल है। भगवंत पाल सिंह सच्चर के दोबारा प्रधान नियुक्त होने तों बाद मजीठा हल्के च पहुंचे ते उन्हां दा निघा स्वागत किया गया है। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का विशेष तौर पर धन्यवाद किया है। 2022 दीआं चोणां दे संबंध विच गलबात करदिआं भगवंत पाल सिंह सच्चर ने मजीठा हल्के तो तालवी ठोकी है। उन्होंने कहा कि जेकर कांग्रेस हाईकमान इस बार उन्होंने परिवार के उपर सियासी दाग खेडती है तो वह सीट जीत के कांग्रेस की झोली विच पाउणगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू, साडे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, तो मैं अपने सारे सत्कारयोग मंत्री साहबाना का, विधायक साहबाना का, समुची हाईकमांड का, खास तौर पर सरदार सुखविंदर सिंह जी, सुख सकरिया जी का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने सारी समुची टीम ने ही मेरे ते विश्वास प्रगट किया तो मैं दोबारा इस वकारी सीट जिला कांग्रेस कमेटी अमृतसर देहाती का प्रधान नियुक्त किया है। क्योंकि ये इस करके वकारी भी बन गई है कि लगभग आगामी विधानसभा चोणां जिहड़ियां लगभग 2-3 महीनों के होने जा रही ने, उहदे करके उन्होंने मेरे ते पिछली कारगुजारी वेखते हुए मेरे ते विश्वास प्रगट किया है। मैं इसलिए समुची हाईकमांड का धन्यवाद करदा ते नाल विश्वास दोना कि जो उन्होंने मेरे ते विश्वास प्रगट किया है मैं उहदे ते पूरा खरा उतरन की कोशिश करांगा। एक हॉट सीट तुसा मीडिया वाले ने बना दिती है। शायद तुहानू याद होएगा कि 2002 दे विच मेरे सत्कारयोग चाचा जी सरदार सुरिंदर सिंह कत्थू नाल इत्थों चोण लड़ी सी ते असीं वी इत्थों सीट जीते सां। उदों हॉट नहीं सी, हुण हॉट कदे ना हो गई कि सरदार बिक्रम सिंह हुणी आ गए तां हॉट हो गई नहीं। 2002 तो लैके 7 तक सरदार सुरिंदर सिंह ने बतौर विधायक इतने नुमाइंदगी की थी, तो मैं वाइस जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर इतने नुमाइंदगी करता रहा। जिहड़ी अगली गल हुई कि साढ़े ते कुछ कारणा करके सानू टिकट ना मिल सकी, साढ़े परिवार को जो उदों ही टिकट होंगी तो यह हॉट कोल्ड का काम खत्म हो जाना सी। असी इत्थे विरोधियों के पैर नहीं सन लगन देने। ये बदसूती हो गई हल्के मजीठे की कि असी जी 2007 सानू टिकट ना मिली तो टिकट इतों सरदार सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया जी ने मिली, वो हार गए। 12 दे विच इतों शैली नू टिकट मिली तो वह जमानती जब्त हो गई, तो उदों लाली जी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चोन लड़ी सी। 17 दे विच फिर हाईकमांड ने जिहड़ा दा सी वह सुखजिंदर राज सिंह लाली जी ते खेडिया, लेकिन असी फिर हार गए। इस करके लगातार ये जी साढ़े को टिकट ना आने कारण असी टिकट इतों हार दे रहे हैं। तुहानू मैं दावे ना विश्वास ना यकीन दोना आ संगत के सिर पर कि ऐतकी 2022 के भरम भुलेखा तो वहम ही दूर कर देंगे। 2022 के जिथे असी पंजाब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनावे उत्थे मजीठे भी कांग्रेस पार्टी झंडा जितता ही कढ़ेगी। लेकिन बिक्रम सिंह, मैं दो गल्लां करनियां चाहुंदा। एक तो यह गल कि असी पहलों भी रौला पाउंदे रहे सां कि जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी असी बड़ा रौला पाया सी कि ये चाचा भतीजा रले ने, लेकिन हुण सामने साबित हो गई ना गल जदों उन्हां नूं गद्दी तों लाउणा पिया। इस करके उन्हां दा करके इन्हां दी खेड जिहड़ी सी उह निराली बनी हुई सी। हुण जिहड़े सरदार चरणजीत सिंह चन्नी आए ने, हुण साडी सारी हाईकमांड जिहड़ी आ उहदा जिहड़ा केंद्र बिंदू है वह मजीठा है। असी मजीठे दे विच याद कि इन्हां नूं बन्न के रखांगे, मजीठे तों बाहर निकलण नहीं दिंदे। सच्चा साहब, तुहाडियां तस्वीरां बणियां ने, ये साडी बदकिस्मती हो गई, राजनीतिक आगूआं दी सौड़ी सोच हो गई। शायद तुहानूं याद हैगा कि असी किसी राजनीतिक आगू की जे किसी की मौत हो जाए खुशी होवे तां असी जांदे नहीं। व्याह शादी ते जाणा या किसी खुशी गमी ते अफसोस करन जाणा ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।